नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर अंगद कुमार गुप्ता ब्लॉग चैनल में। आज हम रतनपुर आ गए हैं। तो ये जो पहला मंदिर पड़ता है रतनपुर का, काल भैरव मंदिर है। तो चलिए अंदर चलते हैं काल भैरव मंदिर में। ये देखिए अंदर का नज़ारा बहुत ही सुंदर है। यहाँ तालाब है जहाँ पर मछलियाँ पाई जाती हैं। बहुत सारे मछली है यहाँ पे, आप मछली को दाना जा सकते हैं। और ये काल भैरव जी को माता दुर्गा का द्वारपाल माना जाता है। तो जब भी आप महामाया देवी का दर्शन करने आएँ तो आप काल भैरव जी का दर्शन जरूर कीजिएगा। जब किस्मत रहेगा तो आएगा। आप लोग आए हैं तो आप लोग भगवान के शरण में आए हैं। अपना काल भैरव जी का दर्शन करने के बाद अब हम महामाया देवी के दर्शन करने जा रहे हैं। तो ये उसका प्रवेश द्वार है। बहुत ही भव्य प्रवेश द्वार है। बहुत लंबा लाइन लगा हुआ है दोस्तों। महामाया मंदिर जो है 51 शक्तिपीठ में से एक है और इसका निर्माण 11वीं शताब्दी में महाराज रत्नदेव ने करवाया था, जो कलचुरी वंश के शासक थे। ये चलते हैं अंदर। अच्छा खासा भीड़ लगा रहता है और नवरात्रि के समय तो यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है दोस्तों। ये रतनपुर जो है बिलासपुर से लगभग 25-30 किलोमीटर की दूरी पे है। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है महामाया मंदिर के विषय में। और प्रवेश कर चुके हैं हम। जय महामाया माँ, दर्शन कीजिए। अब हम दर्शन करने के बाद जैसे ही बाहर निकलेंगे थोड़ा सा, आपको एक तालाब मिलेगा जो बहुत ही खूबसूरत तालाब है, जिसमें मछलियाँ हैं और लोग मछलियों को दाना खिलाते हुए। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पे। तालाब के किनारे किनारे बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं। ये देखिए बहुत खूबसूरत है। आपको यहाँ पे आप आके ऐसा लगेगा कि यहाँ पे बस देखता ही रहूँ, जाने का मन नहीं करेगा। ये एक शिवलिंग है, शिव मंदिर है। तो थोड़ा सा पूजा कर लेते हैं यहाँ पे। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे एक मंदिर का जो कलाकृति है कितना खूबसूरत है। अब यहाँ से हम दर्शन पूरा करने के बाद बाहर निकलेंगे। तो वही बाहर निकलने का रास्ता है। तो किनारे किनारे बहुत दुकान लगा हुआ है यहाँ पे, चाहे तो आप खरीदारी कर सकते हैं। और जैसे हम यहाँ से बाहर निकलेंगे तो हम राम टेकरी मंदिर के लिए प्रस्थान करेंगे। तो दोस्तों अब हम राम टेकरी मंदिर का रास्ता आ चुके हैं। राम टेकरी का मंदिर जो है यहाँ पे बहुत ही ऊंचाई पे है। तो हम लोग ऑटो से आए थे तो ऑटो वाला ने मना कर दिया, वो बोला चढ़ नहीं पाएगा उतना ऊपर। तो हम लोग पैदल चलने लगे हैं। तो बहुत ज़्यादा ऊपर है तो थकावट होने लगा है, तो बैठ गए रास्ते पे। ये देखिए कितना ऊपर है। और यहाँ से आप प्राकृतिक नज़ारा देख सकते हैं, बहुत सुंदर है। जंगल जंगल नज़र आ रहा है। और लास्ट में हम पहुँच गए हैं राम टेकरी मंदिर। ये देखिए बहुत खूबसूरत मंदिर है, श्री राम जी का मंदिर है।
अंदर तो फोटो खींचने वर्जित है, इसलिए बाहर का नज़ारा देखते हैं। यहाँ से दर्शन हमने कर लिया है राम जी का। ये इतना ऊपर है कि यहाँ से पूरा आपको रतनपुर देखने को मिलेगा। बहुत खूबसूरत। बहुत भव्य मंदिर बना हुआ है यहाँ पे। ये देखिए चारों तरफ का नज़ारा बहुत सुंदर लग रहा है। अब दोस्त यहाँ से हम लोग चलेंगे खूंटाघाट डैम। रतनपुर जब भी आइए तो खूंटाघाट डैम जरूर आइएगा। थोड़ा दूर पे है लेकिन बहुत सुंदर है। यहाँ पे बहुत प्रसिद्ध जगह है खूंटाघाट डैम। देखो ये दोस्तों एक मंदिर है जो यहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा कहा जाता है कि कभी डूबता नहीं है ये मंदिर। तो पहले ही गाँव रहा होगा यहाँ पे, बसर है तो वहाँ पर मंदिर रहा होगा। और कहा जाता है कि इस डैम में मगरमच्छ भी पाए जाते हैं। और एक मगरमच्छ बता रहे हैं कि इस टीले में है। तो थोड़ा जूम करते हैं मोबाइल को। ये देखिए हल्का सा नज़र आ रहा है। हाँ ये लेटा हुआ है घर पे मगरमच्छ। तो काफ़ी खतरा है इसलिए कोई नहाना मना है यहाँ पे। अभी भी आते हैं तो नहाइएगा मत यहाँ पर उतर के। आप देखिए बहुत सुंदर है यहाँ पे। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।